आपने एक भी बिहार में एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, आपने बिहार में कोई ऐसा शैक्षणिक हब नहीं बनाया, बिहार को आप देश के टूरिज्म नक्शे पर नहीं लाए, बिहार में आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिया, बिहार में आपने भ्रष्टाचार नहीं रोका, बिहार में आपने अपहरण नहीं रोका, बिहार में लगातार दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एक अन्य मार्ग से निकलकर किसी दलित के घर में जाकर कुशल क्षेम नहीं पूछते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 16 साल से बिहार में बाढ़ आ रहा है और आप हवाई यात्रा पे हवाई यात्रा करते जा रहे हैं। बिहार बीजेपी के पास यहाँ नेतृत्व नहीं है और नेतृत्व हमारे पास है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेपी के तरफ हम सॉफ्ट नहीं है। हाँ, हम लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ हार्ड है। 19 लाख रोजगार का बात करके आए थे और रोजगार पे माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह नहीं खोलते हैं। लज्जा भी नहीं आती है कि आप स्वास्थ्य में, शिक्षा में, कुव्यवस्था में, बेरोजगारी में, सब में आप जो है बिहार को फिसड्डी किए हुए हैं। पिछले 16 साल से बिहार का नेतृत्व आप कर रहे हैं। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, प्रणाम उदित आर्यन है। बिहार में MLC का चुनाव होने जा रहा है, यानी विधान परिषद का चुनाव होगा। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि फरवरी माह के अंत तक, अगले 1.5 महीने में चुन लिए जाएंगे जो विधान परिषद होंगे बिहार के। अब इसमें कल हमने आपको एक खबर भी दिखाई थी, पूर्वी चंपारण का वो स्पेशल रिपोर्ट था। कई तरह के सौदेबाजी की जा रही है, पैसे का लेन देन से लेकर बाहुबल का भी इसमें प्रयोग किया जा रहा है। सभी पार्टियां तत्पर है कि उनकी पार्टी से अधिक MLC बन सके। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास का इसमें क्या रोल होगा? एक खबर हमने दैनिक जागरण में पढ़ा कि गठबंधन नहीं करेगी लोजपा, यानी किसी भी दल से वो गठबंधन नहीं करेगी। और खासकर वो खबर जो है वो राजद को केंद्र में रखकर लिखा गया था, इसकी सच्चाई हम जानेंगे। क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया गया था चिराग पासवान के द्वारा कुछ दिन पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि लोजपा अगला चुनाव जो है वो गठबंधन में लड़ेगी। चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद है, पार्टी के प्रवक्ता है। क्या कहना है चंदन जी, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कहे थे कि पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, MLC का चुनाव है, क्या फैसला लिया जा रहा है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जरूर कहा है कि अगला चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गठबंधन में लड़ेगी। तो देखिए उदित जी, अभी विधान परिषद की अधिसूचना नहीं आई है, 24 सीट पे विधान परिषद का चुनाव होना है और अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मंचों पर यह कहा है कि जैसे ही अधिसूचना आएगी, पार्टी इस संदर्भ में बैठक कर निर्णय जरूर लेगी। क्योंकि बिहार प्रदेश संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हमारे आदरणीय हुलास पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी, सभी लोग अपना जो मंतव्य होता है वह राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत करा दिया गया है। अब आखिरी निर्णय जो है वह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास है कि राजद के साथ गठबंधन करना है या किसी और अन्य विकल्प पे विचार करना है, तो यह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विषय है। जैसे ही अधिसूचना आएगी, हम लोग प्रेस और मीडिया के सभी साथियों को इसकी जानकारी देंगे। मतलब अभी भी संभावना है क्या दो राजद से गठजोड़ कर सकते हैं मतलब चुनाव में? नहीं नहीं, देखिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किस गठबंधन में जाना चाहते हैं या अकेले लड़ना चाहते हैं, या तो यहाँ की जो संसदीय बोर्ड है और प्रदेश कमेटी है, अवगत करा दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। और जैसे ही अधिसूचना आएगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जरूर संबोधित करेंगे। अभी तो जो जिस तरह का लगातार हम देख रहे हैं चिराग पासवान की, अगर आप सोशल मीडिया की ही बात कर लीजिए, तो लगातार लग रहा है कि वो NDA गठबंधन में है, नरेंद्र मोदी के समर्थन में है। कई तस्वीरें भी साझा करते हैं, उनके बारे में अच्छे अच्छे बातें भी वो लिख दिया करते हैं। ऐसे में ये भी एक फैक्टर है बीजेपी से, क्या मतलब अंदर की बात बताइए, हम जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति बन रहा है। नहीं देखिये, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उनको देखना चाहिए कि लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में भी अकेले चुनाव लड़ी, बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां हम लोग बहुत प्रभावी ढंग से लड़े और उसके कारण बीजेपी की भी सरकार वहां नहीं बनी। आज उत्तर प्रदेश में हम लोग अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में हम लोग अकेले चुनाव लड़े, तो इसमें बीजेपी के तरफ बहुत सॉफ्ट होने का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बीजेपी के तरफ हम सॉफ्ट नहीं हैं। हाँ, हम लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तरफ हार्ड हैं। तो देखिए
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बिहार के जो विपरीत परिस्थिति अगर रहती है तो माननीय प्रधानमंत्री जी सदैव खड़े मिलते हैं। बिहार को विशेष पैकेज देने का उन्होंने काम किया और जो वर्तमान सरकार है यहाँ पर खास करके बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी वह बराबर बिहार को पीछे ले जाने का काम करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नीति आयोग का रिपोर्ट जब लाते हैं और बिहार हर एक मानक में अगर 50% होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। नहीं बोले। देखिए हम लोग बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन को लेकर चले हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बराबर कहते हैं कि देखिए बिहारी का जो आत्मसम्मान और गौरव है, जो हमारा संस्कृति और इतिहास है, उसको स्वर्णिम काल में लेकर जाना है। वह तभी संभव है जब यहाँ के नौजवानों को आप रोजगार देंगे। आप 19 लाख रोजगार का बात करके आए थे और रोजगार पे माननीय मुख्यमंत्री जी मुंह नहीं खोलते हैं। अभी मैं उदित जी आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो कॉल करते हैं और कहते हैं कि सर 19 से जो लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना का जो काल है, इसमें राज्य और केंद्र दोनों विज्ञापन जो है नहीं निकाल रही है नौकरी के संदर्भ में। लेकिन बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं तो उनका जो उम्र है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसको भी बढ़ाना चाहिए। तो बहुत सारा ऐसा कारण, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी पैमाने पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। तो हम लोग इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी को बिहार के संदर्भ में जो अच्छे कार्य होते हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष की तारीफ करते हैं। अभी जमुई में मेडिकल कॉलेज वो लाने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया, अथक प्रयास और मेहनत से किया। और जब वहाँ शिलान्यास कार्यक्रम में जा रहे हैं, देख रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक भी तस्वीर नहीं है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, 130 करोड़ जनता के वो प्रधानमंत्री हैं। तो यह सब मन को दुखी करता है। तो इस बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तत्परता से इस बात को रखते हैं। तो बीजेपी के तरफ हमारा शॉट नहीं, हम लोग तो बराबर कोविड के भी समय में यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी के खिलाफ हम लोग आवाज उठाए, क्योंकि उनकी व्यवस्था यहाँ दुरुस्त नहीं थी। तो जो समस्याएं रहती हैं उदित जी, उसको मुखर होकर हम लोग अपनी आवाज को रखते हैं। तो अब तो आप लोग मीडिया के साथी हैं, आप लोग तय करते हैं। अब एक सवाल है, देखिए अभी आप बोले कि जब जो सूचकांक आया जी, नीति आयोग का जो रिपोर्ट आया केंद्र के द्वारा, उस पर नीतीश कुमार चुप रहे, चुप नहीं है। वो बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही है, इस बात का समर्थन राजद भी कर दे रही है, जातीय जनगणना पर भी दोनों पार्टी एक हो रहा है, जगदानंद सिंह कल ऐलान कर दिए कि नीतीश कुमार को खुला ऑफर है, हम रेड कार्पेट बिछाए हुए हैं, आप आइए और सरकार बना लीजिए। इसे तो बिहार में प्रकरण चल रहा है ना, नीतीश कुमार तो मांग ही रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा। देखिए 2020 बिहार विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी तीसरे स्थान पे थे, तीसरे नंबर की पार्टी थी। तो बिहार की जनता इनको मुख्यमंत्री के रूप में तो स्वीकार नहीं की, लेकिन बीजेपी के अनुकंपा पे बिहार के सर्वोच्च पद पे माननीय मुख्यमंत्री जी बैठ गए। और स्थिति ये है कि यहाँ पर लोग का लगातार पलायन है। और जब नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री होते हैं, और जब उन्होंने रिपोर्ट बिहार के संदर्भ में जारी किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी को तो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देना चाहिए था। लेकिन किस, देखिए अब लज्जा भी नहीं आती है कि आप स्वास्थ्य में, शिक्षा में, व्यवस्था में, बेरोजगारी में, सब में आप जो है बिहार को फिसड्डी किए हुए हैं। पिछले 16 साल से बिहार का नेतृत्व आप कर रहे हैं, अगर तब भी अगर विशेष राज्य के दर्जा के लिए आप एक धीरे सदके, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो मन में है एक दबी एक अभिलाषा है, क्या इनको पीएम मटेरियल का जो शौक है ना, जब जब ये आवाज कम हो जाती है तो विशेष राज्य के दर्जे का आवाज को जो है ना थोड़ा सा वॉल्यूम को बढ़ाते हैं, तब इनका फिर अंदर से आवाज आएगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी तो पीएम मटेरियल है। तो ये कहवाने मतलब जब ये प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब विशेष उदित जी ये कॉमन सेंस की बात है कि पिछले 16 साल से बिहार का आप नेतृत्व कर रहे हैं। हमारे अगर आपको याद होगा तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने एक ट्वीट किया था कि भगवान श्री राम का 12 बरस का वनवास था, लेकिन यह 16 बरस से बिहार के सत्ता पे बैठे हुए हैं। उसके बाद भी आपको बिहार के तरक्की के लिए अगर विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत पड़ता हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपको तो त्याग पत्र देकर सड़क पर उतरना चाहिए था। आपने एक भी बिहार में एक्सप्रेसवे नहीं बनाया, आपने बिहार में कोई ऐसा शैक्षणिक हब नहीं बनाया, बिहार को आप देश के टूरिज्म नक्शे पर नहीं लाए, बिहार में आपने 19 लाख रोजगार नहीं दिया, बिहार में आपने भ्रष्टाचार नहीं रोका,
बिहार में आपने अपहरण नहीं रोका, बिहार में लगातार दलित बच्चियों के साथ बलात्कार होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी अपने एक अन्य मार्ग से निकलकर किसी दलित के घर में जाकर कुशल क्षेम नहीं पूछते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पिछले 16 साल से बिहार में बाढ़ आ रहा है और आप हवाई यात्रा पे हवाई यात्रा करते जा रहे हैं। चंदन जी, बीच में रोकूंगा। जी जी, देखिए, अब आप बता रहे हैं कि बिहार में कोई एक्सप्रेसवे नहीं बना। अब याद कीजिए, देखिए, मैं ऐसा नहीं कि मैं पक्ष ले रहा हूँ नीतीश कुमार का या जेडीयू का, मैं छोटा था उस समय, मुझे याद है। बिहार में मेरा गांव बक्सर पड़ता है, ननिहाल मेरा सासाराम, वहां का जो रोड था दिनारा साइड का आप ले लीजिए, या फिर आप बिहिया के आगे जो सड़क था नहीं, वहां से आज हाईवे दे दिया गया, स्टेट हाईवे ही दिया गया। कम से कम हर जिले में आईटीआई कॉलेज खोला गया। तो जो हाईवे आपका दिया गया, वो आप दावे के साथ कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि प्रधानमंत्री जी का है? नीचे मिला ना वो सड़क, मिला वो सड़क। मतलब आप 16 साल आजादी के 70 साल गुजर जाने के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के 16 साल के बाद आप अगर एक मतलब हाईवे पे आप इतना गर्व कर रहे हैं। तो मैं गर्व नहीं कर रहा, गर्व कर रहे हैं, गर्व नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं। आप कंपेयर किस, अच्छे अपने राज्य को उदित जी आप किस राज्य से कंपेयर करते हैं आप हमको ही बताइए। अच्छा ठीक है, आप किस से, बेंगलोर से करते हैं, दिल्ली से करते हैं, महाराष्ट्र से करते हैं, किस से करते हैं? हम बहुत पीछे हैं। आप उत्तर प्रदेश से अगर करते होंगे, आपके बगल का राज्य, और आप बक्सर के रहने वाले हैं, बक्सर से थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा तो आप देखिएगा, हाँ देखिएगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस योगी जी ने बनाया है जी। कोविड के समय में हरेक जो कोविड के पेशेंट थे उनके घर पे उदित जी दवाई पहुंचती थी, यहाँ पर तो लाशें तैर रही थी। सही बात है। चलिए अब हम वही बताइए, आप बोल रहे हैं कि तीसरे नंबर की पार्टी 2020 के विधानसभा में बन गए। चंदन जी, आपकी पार्टी के चलते ही ये तीसरे नंबर की पार्टी बनी। अगर अलायंस रहता आप लोग का तो ये जग जाहिर है, ये कोई उदित तारे नहीं बोल रहा है, वो बिहार का बच्चा बच्चा जानता है कि अगर चिराग जी की पार्टी रामविलास लोजपा रामविलास अगर रहती अलायंस में तो आप लोग के भी 15-20 विधायक होते और नीतीश जी की भी। क्यों हम रहते? आप 16 साल से आप बिहार के सत्ता पे आप अपना जो कुव्यवस्था फैलाए हुए हैं उसके हम साझेदार क्यों बनते? यही तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी ने प्रश्न उठाया कि जब आपका पुल पुलिया लिंक रोड आपके जो बह जा रहे हैं, कुव्यवस्था इतनी फैली हुई है, तो उन्होंने तो मात्र ट्वीट किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बुरा लग गया। और देखिए, व्यक्तिगत रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत द्वेष पालते हैं, बहुत द्वेष पालते हैं। कई मौकों पर आदरणीय चिराग पासवान जी को मिलने का इन्होंने समय नहीं दिया। हम लोग बरसी के समय, आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं कार्ड देना चाहते थे, प्रथम बरसी थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिलना पसंद नहीं किया। हम लोग कार्ड लेके गए, स्वीकार नहीं किए माननीय मुख्यमंत्री जी। आप लोग उनको तीसरे नंबर का पार्टी बना दिया तो नहीं, देखिए राजनीति में हमारी विचारधारा जो, देखिए हम लोक जनशक्ति पार्टी का स्थापना 2000 में हुआ था और हमारे हर जगह जो कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद रखते हैं। आप हमको अगर 20 सीट 25 सीट में अगर समेटना चाहिएगा तो यह तो संभव नहीं है। तो हम लोग तो 25 लाख से ऊपर मत लाए ना, 25 लाख से मत ऊपर लाए। और जब जातीय जनगणना पे माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष जब जाना हुआ और आप हम लोग को उस समय दरकिनार कर देते हैं, पूछते नहीं हैं, और दिल्ली एयरपोर्ट पे आप जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी के बारे में आपने कहा, वो कहाँ रहता है उसका खुद आता पता है जी। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसी भाषा क्या शोभा देता है? हम लोग कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी का विरोध रात दिन करते रहते हैं लेकिन सम्मान के साथ करते हैं। कभी अगर व्यक्तिगत मुलाकात हो जाएगी तो पांव छू के आशीर्वाद भी लेंगे। हम लोग उनके नीतियों का विरोध करते हैं उदित जी, व्यक्तिगत रूप में नहीं करते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत दुख के साथ हम लोग कह रहे हैं कि व्यक्तिगत कुंठा रखते हैं। एक बार भी क्यों नहीं उन्होंने कहा कि शराबबंदी के मामले में हम लोग बराबर प्रश्न उठाते हैं कि आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जातीय जनगणना पे हम लोग को भी एक बार पूछिए कि हम लोग इसमें क्या हम लोग का सुझाव है, हम लोग उस पर भी देंगे। देखिए बिहार के विकास में जब जरूरत पड़ेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी आग्रह करेंगे तो हम लोग हर चीज में इनका सुझाव देने का काम करेंगे जी। लेकिन नहीं, देखिए जहां जरूरत पड़ेगी बिहार के विकास में हम लोग समर्थन करेंगे, लेकिन जहां हम लोग गड़बड़ी देखेंगे तो विरोध तो जोरदार करेंगे। इस बार अगर आप लोग का कोई एमएलसी नहीं बना फिर पार्टी को नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? अगर एमएलसी नहीं बनेगा तो भाई देखिए पार्टी नेता बनाती है, नेता पार्टी नहीं बनाता है। हम लोग जिस विचारधारा को लेकर चले हैं, हमारे स्वर्गीय संस्थापक
आदरणीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा है कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहां सदियों से अंधेरा है। इसका मूल सार यही है कि जातीय जनगणना आप जिसके लिए करना चाहते हैं उसको आप दरकिनार कैसे कर सकते हैं, वंचित शोषित दलित जो समाज का जो अब सबसे पिछला पायदान पे खड़ा है, और बार बार आप शोर कर रहे हैं जातीय जनगणना जातीय जनगणना। क्या हुआ माननीय प्रधानमंत्री, जब केंद्र सरकार अगर इसको रिजेक्ट की है तो आप बिहार लौटकर क्यों नहीं अपने स्तर से आपने जातीय जनगणना कराया? आप रात दिन ढिंढोरा पीट रहे हैं, तो कभी आरजेडी कह रही है कभी आप कह रहे हैं, यानी नूरा कुश्ती आपस में चल रही है। अब बीजेपी का तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि देखते हुए क्या कि आरजेडी और जदयू का आपस का इंटरनल गठजोड़ है, इंटरनल गठजोड़ है वो तो दिख रहा है स्पष्ट, वो तो दिख रहा है स्पष्ट। माननीय तेजस्वी जी बराबर विरोध करते हैं और अभी उनको सांप सूंघा हुआ है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी का जो यश और कीर्ति है उदित जी, बिहार बीजेपी उसको धूमिल करने का काम कर रही है। मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पर कि बिहार बीजेपी के पास यहाँ नेतृत्व नहीं है, और नेतृत्व हमारे पास है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी नेतृत्व कर सकते हैं। बीजेपी अगर इसमें आगे बढ़ के आती है तो चिराग पासवान जी नेतृत्व करेंगे, समर्थन मिले तो बिल्कुल जी। चलिए तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनमें हुनर है, ये उनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं। बिहार की जनता क्या समझती है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन हमारा जो अहम सवाल यही था कि क्या चिराग की पार्टी से कोई एमएलसी बनेगा, क्या कोई गठबंधन होगा, क्या कोई गठजोड़ होगा जिसके बुनियाद पर कोई एक एमएलसी भी चिराग पासवान की पार्टी से बनता है या नहीं बनता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।